आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब सिर्फ दो घंटे का इंतजार है, ठीक दो घंटे बाद 6 बजे राष्ट्रपति भवन में आप संभावित 43 मंत्री, अभी तक जो लिस्ट आई हुई है उसके मुताबिक 43 मंत्रियों को शपथ लेते हुए देखेंगे। बड़े फेरबदल की इस बार तस्वीर है, संभावित मंत्रियों के साथ पीएम की मुलाकात की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चाय पर पीएम ने संभावितों को बुलाया था, जिसमें आरसीपी सिंह सबसे पहले लेफ्ट से दिख रहे थे। आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे हैं, पशुपति पारस दिख रहे हैं, आपको नारायण राणे दिख रहे हैं, ये तमाम लोग इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है सर्बानंद सोनोवाल असम से, क्योंकि हेमंत बिस्व सरमा के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने त्याग दी थी, उनको बना दिया गया था। ऐसे में ये वो चेहरे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये मंत्री पद लेंगे। हालांकि अगर पीछे की कतार में देखें तो आरके सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी के साथ किरेन रिजिजू भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ और चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ आकलन ही किया जा सकता है। जिन चेहरों की पूरी पहचान हो गई है वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज इन सभी के साथ मुलाकात की, जेपी नड्डा उनकी बाईं तरफ, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनेंगे, गुजरात से 5 बनेंगे, कुल 43 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है, राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। 43 मंत्री शपथ लेंगे, आपके मन में भी चल रहा होगा लंबा चलेगा कार्यक्रम, वाकई लंबा चलेगा क्योंकि 43 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। आप इसे कह सकते हैं सबसे बड़ा कैबिनेट रीशफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब तक 11 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और हम आपको जल्दी से अगर उनके नाम बता दें तो जो कंफर्मेशन वाले 11 मंत्री हैं उनमें शामिल हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रिय, राव साहब दानवे पाटिल, सदानंद गौड़ा, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी। प्रताप सारंगी आपको याद होगा, वो अपने बहुत हम्बल बैकग्राउंड और हम्बल तरीके के प्रचार के लिए जाने गए थे और पहली बार ही सांसद बनते हुए उन्हें पद मिल गया था, उन्हें मंत्री का पद मिला था। देवोश्री चौधरी, थावरचंद गहलोत, जो 7 मंत्री यूपी के बनेंगे उनके चेहरे अब हम आपको दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से, कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद है, एसपी बघेल, देखिए कैसे जातीय समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश है। पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अजय मिश्रा, भानु प्रताप वर्मा, अनुप्रिया पटेल अपना दल, जो पिछली बार भी हुआ था सरकार में शामिल हुआ, 2014 में भी मंत्री बनी थी, एक बार फिर से बन रही है। कौशल किशोर रिजर्व सीट है मोहनलालगंज, वहां से सांसद है, दलित चेहरा। ये पूरी की पूरी जो 7 उत्तर प्रदेश की लिस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब है, अगले साल लगभग 8 महीने बचे हैं चुनाव में। ऐसे में एक सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश दिख रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि गुजरात से 5 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर बंपर वैकेंसी, बंपर लॉटरी लगी है, मंत्री बनने से पहले आज तक से बोले कौशल किशोर। एक्सक्लूसिव बातचीत जितेन बहादुर हमारे सहयोगी से उन्होंने की है और बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर बुलाया था, उसी चाय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, सुनिए क्या कहा उन्होंने। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, क्या उनकी तरफ से कहा गया है और आगे अब आप आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी? प्रधानमंत्री जी ने चाय पे बुलाया था और हम लोगों को कोई इस तरह का निर्देश वगैरह नहीं दिए गए, चाय पे बुला के बस थोड़ी सी बातचीत हुई, सब लोगों को बधाई वगैरह दी है और उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने सबको एक आमंत्रण पत्र दिया है राष्ट्रपति भवन पहुंचने का जी, शाम को 6 बजे। उत्तर प्रदेश से आप एक खास चेहरा हैं, 2022 के जो चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के उस पर खास नज़र है खुद प्रधानमंत्री की, उसके हिसाब से आपके चेहरे को चुना गया है, और कौन कौन से लोग हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी मीटिंग आज प्रधानमंत्री के साथ हुई? पूरे देश से लोग थे और मैं समझ रहा हूँ कि इस संबंध में कोई बात न प्रधानमंत्री जी ने की है कि बस उनका यह है कि जो काम है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से लोगों को करना है,
जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो करना है। क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया किस तरीके की जिम्मेदारी होगी? 2022 के चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिहाज से आप लोगों को तैयारी, वैसे ही चेहरे ढूंढे गए हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सरकार तो देखिए सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके पहले से ही काम कर रही है। हमारे मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, ज़रूरतमंद लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो ज़रूरतें थी, उनको कैसे पूरा हो, उसके लिए हमारी सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत पूरे देश में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दे दिया, गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए मुफ्त में, 50 करोड़ जनता को 5 लाख तक के मुफ्त में इलाज, ये सब गरीबों को मिलने वाला है, वो मिल रहा है। किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिलता है। आप लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके बगल ही आपका संसदीय क्षेत्र है, आप कितना खुश हैं जब कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? नहीं, मंत्री बनने से खुश होने का मामला नहीं है, मंत्री बनने से और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ने का मामला है। इसलिए अब और ज़्यादा बिजी रहना पड़ेगा और लोगों का काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मुस्तैदी से करना पड़ेगा, तो ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेगा। बिजी रहना होगा, ज्यादा काम करना होगा, और जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री देते हैं उसे सकुशल तरीके से निभाना होगा, कहते हुए कौशल किशोर को आप सुन रहे हैं। कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे और अब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है। शाम 6 बजे से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। पूरी मंत्रियों की लिस्ट आज तक के पास है। कैबिनेट विस्तार में कुल 43 मंत्री बनाए जाएंगे। सर्वानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार मंत्री बनेंगे। एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। पूरी मंत्रियों की लिस्ट आज तक के पास है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं, और चित्रा लिस्ट आ गई है आज तक के पास। शशि शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रा, लिस्ट पहले बताएं। बिल्कुल, देखिए हमारे पास पूरे 43 नामों की लिस्ट आ गई है। एक एक करके मैं, सबसे पहला नाम जो लिस्ट में रखा गया है वो नारायण राणे का है, पहला नाम उनका है। दूसरा नाम सर्वानंद सोनोवाल का है। उसके बाद तीसरे नाम पे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, अंजना यहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। चौथी जो लिस्ट हमें दी गई है क्रमबद्ध तरीके से अगर मैं पढ़ूं इसको, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री पशुपति कुमार पारस, जो कि हम सब जानते हैं कि चिराग पासवान से अलग होकर के सरस एलजेपी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, श्री किरण रिजिजू का इसमें नाम है, श्री राजकुमार सिंह का इसमें नाम है, श्री हरदीप सिंह पुरी का नाम है, श्री मनसुख मंडाविया, श्री भूपेंद्र यादव का नाम है, भूपेंद्र यादव जो कि राजस्थान से लगातार 2 बार से राज्यसभा के सांसद हैं, और हाल ही में हम सब जानते हैं कि किस तरह से बिहार में विधानसभा की ज्यादा सीटों पर अगर बीजेपी ने जीत हासिल की तो भूपेंद्र यादव का उसमें बड़ा रोल रहा था। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं जो कि गुजरात से हैं, ये बड़ा चेहरा, और यकीनन इनके जरिए वहां की राजनीति को आगे और मजबूती से साधने की कोशिश बीजेपी की गुजरात के जरिए। जी किशन रेड्डी, इनका कद बढ़ाया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का इसमें नाम शामिल है। अनुराग सिंह ठाकुर का इसमें नाम शामिल है, वहां पे हिमाचल प्रदेश पर नजर है। श्री पंकज चौधरी का इसमें नाम शामिल है। देखिए पंकज चौधरी लगातार 6वीं बार जीत करा रहे हैं महाराजगंज से, यूपी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, हालांकि कभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली नहीं, लेकिन महाराजगंज से इस बार उनके प्रतिनिधित्व को देखते हुए, चूंकि 6 बार से वो लगातार जीत रहे थे, 1-2 बार ही उस सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से इस बड़े चेहरे को पंकज चौधरी के जरिए लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। अनुप्रिया सिंह पटेल 4% जो कुर्मी वोटर है उनको साधने की कोशिश, लेकिन अनुप्रिया पटेल के जरिए वो 32% जो गैर यादव वोटर है उनको साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अपना दल की नेता अनुप्रिया सिंह पटेल का नाम इसमें शामिल है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल है, श्री राजीव चंद्रशेखर है, सुश्री शोभना का नाम भी इसमें है, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का नाम है, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश का नाम है। आपको बता दें कि ये गुजरात से आती हैं और यकीनन इनके ऊपर भी भरोसा जताया गया है, जिस तरह से 11 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, और इस वजह से दर्शना जरदोश का नाम इसमें शामिल किया गया है। मीनाक्षी लेखी, चूंकि डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो चुका है राजधानी दिल्ली से प्रतिनिधित्व के लिए, 2 बार के सांसद मीनाक्षी लेखी को मौका दिया गया है। अनुपमा देवी का नाम इसमें शामिल है, ए नारायण स्वामी का नाम शामिल है, कौशल किशोर जो लगातार बीजेपी अपनी ही सरकार, अन्नपूर्णा देवी, बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी है, ए नारायण स्वामी है, कौशल किशोर है, अजय भट्ट है, बीएल वर्मा है, अजय कुमार है, और इसके अलावा
चौहान, देवशु से, और इस तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नाम मुझे नजर आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा वो सात नाम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके जरिए 2022 की राजनीति को साधने की ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यकीनन जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे आवाज जिनको इसमें प्रतिनिधित्व दी गई है, खासतौर से कौशल किशोर जो पूरे कोरोना काल में अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, लेकिन उनके ऊपर भरोसा जताया गया है। पंकज चौधरी को लेकर आया गया है, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम नाम है जिनके जरिए यकीनन जो चुनावी राज्य है उसको जीतने की कवायद और कोशिश भी बीजेपी की नजर आ रही है। बिल्कुल, जल्दी से चलते हैं एक बार हिमांशु, अब सबकी नजर इस पर, मैं शशि जी के पास भी जाऊंगी, अशोक सिंघल आपके पास भी आऊंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय किसे मिलेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय, जितने नाम हम लोग देख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार खत्म हुआ। शशि शेखर जी, आप भी लगता है लिस्ट ही देख रहे हैं, सबकी नजर अब मोबाइल पे है, लिस्ट आ गया है, सब लिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय किसको मिलेगा, किसकी किसका नाम हो सकता है या फिर रीशफल हो सकता है पहले वालों से? हाँ बोले 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 हिमांशु। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अंजना स्वास्थ्य मंत्रालय जो है पहले 12 नामों से मिलेगा, चाहे नारायण राणे हो या सर्वानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद, अश्विनी कुमार वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, ये 12 जो लोग हैं ये कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। इन 12 में से किसी को जरूर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा इस पर मैं शशि जी का भी टेक लूंगी, लेकिन उससे पहले जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी ने बात की है, भानु प्रताप सिंह वर्मा जो कि मनरेगा मंत्री, जल्दी से पहले प्ले आउट कीजिए, सुनाइए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को भी यहां पर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात किया है, शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें इनको मंत्री बनाया जा रहा है। यहां जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी से जुड़े हुए मिठाई खिला रहे हैं बीएल वर्मा जी को। वर्मा जी, बड़ी खुशी की बात है, लोग लगातार उम्मीदें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होगी, उसके बाद मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, इसलिए जो जो दायित्व सौंपा जाता है उसे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करता हूं, और अब क्या आदेश पीएमओ का रहेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शपथ तो होने जा रही है, उसके बाद ही आपसे चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, लेकिन 2022 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के, उसके हिसाब से खास चेहरे ढूंढे जा रहे हैं, उनमें से एक आप। 2022 के चुनाव की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो 2022 का चुनाव जिस तरह से 2017 में जीता था, मैं उस समय भी ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्षता पार्टी का, और उसमें हमने 65 में से 57 सीटें जीती थी, तो इसलिए उस समय हमने कहा था कि कार्यकर्ताओं, हमने कहा था 265 प्लस, लेकिन हमारा नीचे बूथ का कार्यकर्ता कहता था 300 की बार 300 पार, और नीचे का बूथ का कार्यकर्ता 300 पार की बात कहता था, और निश्चित 300 पार करके दिखाया। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, जिस तरह से हमारी पार्टी ने काम किया है, संगठन नीचे तक खड़ा है, तो इसलिए विस्तार से बहुत बड़ा इसका कोई अंतर नहीं है, हम फिर से 300 पार करके सीटें और हम सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री से जब आपकी मुलाकात हुई, किस तरीके का संदेश उन्होंने दिया, कैसे काम करने का? माननीय प्रधानमंत्री जी सबको प्रेम से मिलते हैं और सबके साथ उनका जिस तरह से आशीर्वाद स्नेह रहता है, वैसे ही आज अपने वैसी औपचारिक बात की, अनौपचारिक बात की। और उत्तर प्रदेश के कितने चेहरे थे वहां पर, बताया जा रहा कि 7 सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है। ये मास्क सबके लगे हुए थे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कौन कौन थे, लेकिन हाँ आपने देखा था, मैं निकला था, इसलिए मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, लेकिन कौन कौन थे ये आप लोग तलाश करिए। ठीक है, बिल्कुल। तो शाम को पूरी बातचीत आज तक के साथ विस्तृत बीएल वर्मा जी करेंगे, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से इनको संदेश दिया है वैसे ही मंत्रिमंडल में जाकर के काम करेंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह तक। भानु प्रताप सिंह वर्मा है, जिलाओं से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश का जो 7 मंत्रियों का कोटा हम आपको दिखा रहे हैं उसी में शामिल हैं। बड़ी चालाकी से उन्होंने कह दिया कि बाकियों ने मास्क पहन रखा था इसलिए मैंने किसी को पहचाना नहीं है, आप लोग खोज कीजिए। बहरहाल सभी को एहसास है कि जब तक औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण नहीं होता है बहुत ज्यादा कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन भानु प्रताप सिंह वर्मा, आपने देखा, उत्तर प्रदेश के एक और ऐसे सांसद जलाओं से सांसद हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री की इस बैठक में वो भी शामिल थे जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय पर बात हो रही थी, शशि शेखर जी स्वास्थ्य मंत्रालय पहले से जो है उसी में रीशफल होगा या इनमें से कोई बनेगा?
मैं आज तक के तथ्य और कथ्य में विश्वास करता हूं, इसलिए कोई कयास अब मैं कुछ देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन दो बातें बहुत साफ है, जिसको भी स्वास्थ्य मंत्रालय मिलेगा उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और मोदी जी का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होगा, क्योंकि थर्ड वेव की जब आने की भविष्यवाणियां की जा रही हों तो स्वास्थ्य मंत्रालय का उसमें विशेष रोल होने जा रहा है, और ऐसे में जो जो भी उसकी उसका कार्यभार संभालेगा वो उनका भरोसेमंद हो सकता है। लेकिन लिस्ट ने मुझे कुछ चौंकने पर विवश किया, चौंकने पर भी और कुछ भरोसा करने पर भी। लिस्ट को अगर आप देखिए, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि चुनावी लिस्ट होगी, 7 उत्तर प्रदेश से, 5 गुजरात से, जबकि क्या सहयोग है, गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़कर आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इस तरह का एक समीकरण बैठाया कि हर क्षेत्र का और हर बिरादरी का उसमें एक तरीके से ठीक से प्रतिनिधित्व हो जाए। भूपेंद्र यादव को डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर देकर उन्होंने ये एक बार फिर से साबित किया कि जो काम करेगा उसके साथ सरकार संगठन दोनों बने रहेंगे। भूपेंद्र यादव वाकई डिजर्व करते थे, क्योंकि अगर आप उनसे बात कीजिए, वो एक पढ़े लिखे इंसान है, खेतों के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, पॉलिटी के बारे में उनकी जानकारी बहुत अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको एक जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और हरदीप पुरी के साथ भी मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारियों में कोई इजाफा होगा या बेटर मंत्रिमंडल मिल सकता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि उनका भी किरेन रिजिजू का भी नाम है और जितने नाम हम देख रहे हैं। जल्दी से अशोक, आपके पास भी लिस्ट होगी, कौन कौन से ऐसे नाम है जो आपको नोटिसेबल लग रहे हैं? देखिए अंजना, सबसे पहले अश्विनी वैष्णव की अगर बात की जाए, अश्विनी वैष्णव को क्योंकि मैं बहुत साल से जानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनके पीएस हुआ करते थे, और इनकी खूबी यह है कि ये राजस्थान से भी आते हैं और गुजरात से भी इनका वास्ता रहा है, और राज्यसभा में आए नवीन पटनायक के बहुत क्लोज है, वहां भी उन्होंने काम किया हुआ है। जब राज्यसभा की सीट इनको मिली तो उनके कोऑर्डिनेट मतलब नवीन पटनायक की कुछ सीटें हैं जो विधायक थे उनके उससे मिलने से हुई थी इनकी, एब्सोल्यूट बीजेपी की वहां मेजोरिटी से ये जीत के नहीं आए थे। तो अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री के बहुत विश्वास पात्र हैं नरेंद्र मोदी के, और इनको कोई ना कोई अहम पोर्टफोलियो दिया जाएगा। बहुत साइलेंटली काम करते हैं अंजना, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, और जब अटल बिहारी वाजपेयी का लास्ट डे चल रहे थे प्राइम मिनिस्टर काल के, 2003 में ये आए थे उस वक्त मेरे को जहां तक याद है, और उसके बाद इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी, सिविल सर्वेंट आईएएस ऑफिसर थे, छोड़ करके इन्होंने गोवा में अपना काम भी शुरू किया था, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद ये राज्यसभा में आए, तो ये बहुत काबिल ऑफिसर माने जाते हैं और प्रधानमंत्री इनको बहुत विश्वास करते हैं। तो एक बड़ा चौंकाने वाला नाम अश्विनी वैष्णव का भी है, बहुत पहले से भी नाम चल रहा था इनको एक अहम पोर्टफोलियो दिया जाएगा, तो हो सकता है इनको कोई अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाए, क्योंकि अगर अनुराग ठाकुर को प्रमोशन मिल रहा है, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई दूसरा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, तो एमएस फाइनेंस भी ये बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अंजना। और भूपेंद्र यादव बहुत बार से इनका नाम चल रहा था, 2014 में भी इनका नाम चला, अमित शाह के विश्वास पात्र रहे हैं भूपेंद्र यादव, बिहार के प्रभारी रहे हैं, और मेन बिहार के ही नहीं, मेन भूमिका में रहे हैं, इनको नड्डा जब पार्टी प्रेसिडेंट बनाए गए उससे पहले भूपेंद्र यादव का नाम भी चला था पार्टी प्रेसिडेंट के लिए, कुछ चर्चा चली थी कि भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं, उनकी भूमिका ऐसी रहती थी अशोक, जहां पर भी राज्यों में चुनाव है ग्राउंड वर्क करने के लिए महीनों से पहले वहां पर वो बेस अपना बना लेते थे। लेकिन जो नाम एक बार जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल असम वाले, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का तोहफा, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपतिनाथ पारस एलजेपी वाले, किरण रिजिजू हालांकि पहले से वो हैं, लेकिन राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, इन सबका एलिवेशन हो सकता है, इनका कद बढ़ेगा और एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज से लेकर कैबिनेट पद इन्हें मिल सकता है। तो नारायण राणे, सर्वानंद सोनोवाल हम देख रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर का भी नाम है, दिलचस्प है वो, अगर हम देखें तो पॉलिटिकली एक पॉलिटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, उनको भी आज मंत्री के रूप में आज वो भी शपथ लेंगे, 19वें नंबर पर उनका भी नाम है। कई सारे ऐसे दिलचस्प नाम इस पूरी लिस्ट में जरूर आ रहे हैं, लेकिन किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, इससे ये साफ है कि इनका कद बढ़ेगा जो अभी है, मौजूदा स्थिति है उसमें। जल्दी से एक बार फिर से चलते हैं हिमांशु के पास, हिमांशु कोई अपडेट है आपके पास, आप हाथ उठा रहे थे हिमांशु। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप लास्ट नाम देखिए, 42वां नाम एल मुर्गन का है,
ये एल मुर्गन जो है तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, इससे पहले जो है वो नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, तो उनको लाया गया। जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे थे ना, जहां चुनाव हो गए हैं और वहां कुछ नहीं, सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आप देखिए केरल से पी मुरलीधरन है, वहां बीजेपी का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी 4 सीटें जरूर जीती है, लेकिन एल मुर्गन को वहां से लाकर बीजेपी ने एक पूरे भारत का जो ये कह सकते हैं परिदृश्य इस कैबिनेट में देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात है मनसुख मांडविया, उनको कैबिनेट बनाया जा रहा है। उनके पास शिपिंग मंत्रालय था और साथ ही साथ वो MOS थे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर। जी किशन रेड्डी को प्रमोट किया जा रहा है, वो MOS गृह राज्य मंत्री थे, उनको बढ़ाया जा रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला जो है कड़वा पटेल हैं, और गुजरात चुनाव से जोड़ के देखा जाए तो गलत नहीं होगा, और उनका भी प्रमोशन है, वो कृषि राज्य मंत्री थे। मैं भूपेंद्र यादव के बारे में हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से चुनावों में लगते थे, बंगाल से लेकर बिहार, गुजरात, यूपी, हर चुनाव में भूपेंद्र यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और वो सबसे वरिष्ठ महासचिव हैं इस वक्त बीजेपी में, और जहां भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है वहां पर भूपेंद्र यादव पार्टी की तरफ से नजर आते हैं। तो ये माना जा सकता है कि अब रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्रालय अगर भूपेंद्र यादव को दिया जाए तो किसी को अचंभा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अंजना एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अन्नपूर्णा देवी ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, झारखंड से आती हैं, RJD में थी, ठीक 19 के चुनाव से पहले बीजेपी में आती हैं, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, इनको हरियाणा का इंचार्ज बनाया गया था, और अब जो है वो इनको यहाँ मंत्री बनाया जा रहा है। आप देखना यह है कि इनको इंडिपेंडेंट मंत्री बनाया जा, चार्ज का मंत्री बनाया जाएगा या गृह राज्य मंत्री, लेकिन इतना जरूर है कि उनको भी मंत्री बनाया गया। और साथ में जो बंगाल की हम बात कर ही चुके हैं, हर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, हरियाणा, ये सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन लेने बताता थे हिमांशु, 43 लेने थे तो सभी राज्य तो आएंगे, कि हर स्टेट का 43 लेने थे तो बिल्कुल 43 लेने थे तो सभी राज्य आएंगे ही, और इसी वजह से ये 43, इन 43 में जो है लगभग 10 नाम जो है वो है जिनको प्रमोट किया जा रहा है, तो 33 नाम है इस सरकार के इस नए कैबिनेट विस्तार में। पुरुषोत्तम रूपाला, एक बार जरा हम लोग यूपी की काफी बात कर चुके हैं, अशोक जल्दी से फिर मैं आपके पास भी शशि जी आ रही हूँ, छोटा छोटा कमेंट सबसे, फिर मैं चित्रा आपके पास भी आ रही हूँ। अब यूपी पर हमने काफी बात की, देखिए पुरुषोत्तम रूपाला एक इम्पोर्टेंट की मैन माने जाते हैं जो कि करीबी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनको भी अब गुजरात चुनाव पर भी नजर है, 5 मंत्री वहां से लिए जा रहे हैं। तो हम गुजरात पर जब नजर डाले तो मनसुख मांडविया, और इसी के साथ पुरुषोत्तम रूपाला, दर्शना जरदोश, आप इनको देखेंगे बहुत एक्टिव रहती हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर, और इन्होंने भी अपने स्तर पर काफी काम किया था। महेंद्र मुंजपरा साहब, ये तमाम नाम जो हम गुजरात के दिखा रहे हैं आपको, देवू सिंह चौहान, इन सबको शामिल करके ये तमाम लोग बड़े एक्टिव थे पिछले चुनाव में, वहां पर जब हम लोग मौजूद थे, ऐसे लोगों को, अच्छे वक्ता भी हैं देवू सिंह, इन सभी को गुजरात पर भी नजर है, यानी फोकस क्लियर है, एकदम साफ दिख रहा है। अशोक बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दुराई नहीं, मनसुख मांडविया पुरुषोत्तम रूपाला पाटीदार को नेतृत्व दिया गया है, मनसुख मांडविया लौवा पटेल कहे जाते हैं जबकि रूपाला कड़वा पटेल हैं, तो पटेलों को साधने की कोशिश है। जो रक्षा राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं अंजना, उसमें दर्शना जरदोश, महेंद्र मुंजपरा, देवू सिंह चौहान, ये ओबीसी गुजरात के तीनों ओबीसी उससे आते हैं, अलग अलग ओबीसी समुदाय के ये तीनों राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी को भी साधने की कोशिश है और पटेलों को भी साधने की कोशिश है। गुजरात चुनाव सामने है, गुजरात चुनाव को देखते हुए ये पूरा जातीय समीकरण बनाया गया है पटेलों का, क्योंकि काफी अच्छा खासा वहां पे प्रतिनिधित्व रहता है, उसको देखते हुए इन दोनों को प्रमोट किया जा रहा है। तो अंजना, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से आते हैं, अमित शाह वहां से आते हैं, तो गुजरात को भी खास तवज्जो दी गई है। ये दो लोग तो ऑलरेडी कैबिनेट में थे ही, लेकिन इनको प्रमोट किया जा रहा है, और तीन लोगों को, उनको ओबीसी के अलग अलग उससे आते हैं, तो ये 5 लोग गुजरात से मंत्री होंगे मोदी सरकार में, तो कहीं ना कहीं चुनाव निशाना है, जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए ये पूरा कैबिनेट एक्सपेंशन। दर्शना जरदोश जो है वो सूरत से सांसद हैं और वो महिला मोर्चा की वहां पर अध्यक्ष भी हैं। कुल मिलाकर जल्दी से आप गुजरात पर एक कमेंट आपका शशि जी, ब्रेक से पहले।
देखिए गुजरात एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक लंबे समय से, दो दशक से ज्यादा समय से गुजरात पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने भी लंबे समय तक वहां हुकूमत की, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से वहां पार्टी के अंदर बगावतें होती रही, कोविड का मैनेजमेंट को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई, और जो एक विकास की धारा मोदी अपने पीछे छोड़ कर आए थे उस पर भी सवालिया निशान लगने लगे कि वो सही दिशा में बढ़ाई नहीं जा रही है। तो ऐसे में ये पिछले आप विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, हार्दिक पटेल ने किस तरीके से वहां पे तांडव मचा दिया था और कांग्रेस लगभग जीतते जीतते हार गई जी। तो ऐसे समय में यदि गुजरात आज नहीं जीतते हैं तो पूरे देश में मैसेज खराब जाएगा। तो पूरा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश और गुजरात पर इसीलिए है, गुजरात का एक कारण है और उत्तर प्रदेश होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। तो आज उन्होंने गुजरात पे भी सोशल इंजीनियरिंग का नमूना दिखाया है, उत्तर प्रदेश पे भी दिखाया है। एक अच्छी बात यह है कि ये सारे लोग काबिल लोग हैं जो भी लिए। ठीक है ठीक है, खत्म हुआ इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो साथ ही सर्बानंद सोनोवाल का नाम भी इसमें शामिल है। जो नाम है आपको बता दें, यूपी से 7, गुजरात से 5, बंगाल से 4। 5 मंत्रियों को मोदी सरकार में प्रमोशन मिला है। इस बीच आपको बता दें कि जो लिस्ट है वो हम आपको एक एक करके सभी नाम बताएंगे, क्योंकि ऊपर में अगर आप लिस्ट में देखें तो नारायण राणे कोंकण वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, ये एलजेपी वाले हैं। चाचा चिराग पासवान के, किरण रिजिजू का प्रमोशन, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव ऑर्गेनाइजेशन में यानी संस्था में, बीजेपी में, संगठन में जबरदस्त काम ये करते हैं। हर राज्य में चुनाव के पहले वहां पर जाकर पूरी तरह से पूरी ताकत झोंकना, ये एक पहचान है भूपेंद्र यादव की। और हर राज्य के अगर आप उनसे कुछ भी बातचीत करें तो जातीय समीकरण से लेकर कहां पर कौन सा फैक्टर काम करेगा, क्या करने से फायदा होगा, संगठन में उन्होंने जबरदस्त काम किया है और उसी का तोहफा आज उन्हें मिला है। एक एक करके पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, सत्यपाल सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करांजिले, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन विक्रम जरदोष, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बी एल वर्मा, अजय कुमार, देवू सिंह चौहान, ये सब गुजरात के हैं। भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत कृष्ण राव, राजकुमार रंजन सिंह, भारती पवार, विश्वेश्वर तुड्डू, शांतनु ठाकुर, ये मथुआ समुदाय से आते हुए, मुंजापारा, महेंद्र भाई, जॉन बार्ला और एल मुरुगन जिसकी बात अभी हिमांशु कर रहे थे, नीतीश प्रमाणिक, ये पूरी लिस्ट हमने 43 नेताओं की आपको दिखा दी। और अब गुजरात के हम आपको दिखा रहे हैं वो 5 चेहरे। पुरुषोत्तम रूपाला, एक वक्त पर जब प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो माना जाता था कि पुरुषोत्तम रूपाला बहुत करीबी थे। दर्शना जरदोष को देखिए, महिला मोर्चा की वहां पर अध्यक्ष है, सूरत से सांसद है। ये यूपी की पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, 7 यहां पर मंत्री बन रहे हैं, 7ों के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश है। हर आप देखिए ओबीसी दलित सबका प्रतिनिधित्व जिसके जरिए, कौशल किशोर आप देख सक रहे हैं वो मोहनलालगंज से सांसद हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व सीट है। इसी के साथ भानु प्रताप वर्मा की बातचीत आपने सुनी, अनुप्रिया पटेल अपना दल की पिछली बार 2014 में भी सरकार में शामिल थी, फिर उन बाहर गई और उसके बाद से फिर से उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, उसकी आहट, उसकी सोशल इंजीनियरिंग साफ इन नामों में दिखाई दे रही है। कई मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ है, लेकिन इसी के साथ गाज भी कईयों पर गिरी है। कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन अब पहुंच गया है, 1 घंटा 26 मिनट पर ठीक 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। और ये 43 देखिए, राजीव चंद्रशेखर एक सांसद भी है राज्यसभा के, इसी के साथ वो बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, उनको भी शामिल किया गया है। देवू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर, ये तमाम ऐसे नाम हैं। लेकिन जिस चर्चा पर अब मैं जाना चाहती हूं, दिखाइए हमारे तमाम सहयोगियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शशि शेखर जी भी बने हुए हैं। हिमांशु, अगर मैं सही हूं तो इस लिस्ट में जेडीयू से एक ही नाम है, आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं, यानी 2019 की जो शर्त थी उसी पर लगता है जेडीयू मान गई है। देखिए बिल्कुल, आरसीपी सिंह को अगर मंत्री बनाया जा रहा है और बाकी 3 नाम जो चर्चा में थे, चंद्रेश्वर चंदेश्वरी हो या फिर रामनाथ ठाकुर हो और या फिर कामत हो, इन तीनों को जगह नहीं दिया, यानी कि बात नहीं बन पाई है जेडीयू के साथ। और अभी एक ही
मंत्री जो है जेडीयू की तरफ से बनाया जा रहा है, ये एक बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी जेडीयू की डिमांड थी कि उनके 4 मंत्री बनने चाहिए, उनके 16 सांसद हैं और बिहार में अगर बीजेपी के 17 सांसद हैं तो उनके अगर वहां से 5 मंत्री बनते हैं तो जेडीयू के 16 सांसद के तौर पर जो है 4 मंत्रियों का कोटा बनता है, लेकिन शायद बात नहीं बन पाई और आरसीपी सिंह सिंगल मंत्री बनने जा रहे हैं कैबिनेट के। बाकी ये कह सकते हैं कि जेडीयू के लिए अभी विंडो बंद है, आगे अगर कभी विस्तार होगा और सहमतियां बन पाएंगी तभी जो है जेडीयू के और मंत्री जो हैं वो कैबिनेट के अंदर शामिल हो पाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ आरसीपी सिंह आ रहे हैं और पशुपति पारस एलजेपी से। 2019 की शर्त पर मानना पड़ा जेडीयू को। नीतीश कुमार का पिछले 2019 के आसपास स्टैंड क्या था, उनका स्टैंड ये था कि हमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से हमारे जितने एमपी हैं उनको आप मंत्रालय में लीजिए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर था कि हमने सबको एक एक कभी अकोमोडेट किया आप भी आ जाइए। उसमें उनको लगता था कि मैं पासवान की पार्टी के बराबर आ जाऊंगा या अठावले के बराबर आ जाऊंगा, तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारा समझौता प्रदेश के स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर नहीं है। कल के आप उनके बयान को देखिए, उन्होंने एक बात तो ये कही कि आरसीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो तय कर रहे हैं, दूसरी बात उन्होंने कही कि पिछली वाली स्थितियां अब नहीं रही। इस बात को गौर कीजिए, आपने बिहार का इलेक्शन बहुत ही कायदे से कवर किया था अंदर तक जा, पिछले वाली स्थितियां अब नहीं रही, यही जवाब है। पिछली वाली स्थिति आप नहीं रही। जल्दी से एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा दिखा दें जिस पर हम चर्चा करेंगे, यूपी और गुजरात। अगर अब हम देखें तो कुछ ऐसे मंत्री हैं अशोक जिनका प्रमोशन एक तरह से हुआ है, जिसमें आप देखें किरण रिजिजू हो, अनुराग ठाकुर हैं, जिनको तो हम माने कि जो रिपोर्ट कार्ड जिसके बारे में जानकारी यही आई, आप भी बता रहे हैं कि पीएम ने खुद सबका काम रिव्यू किया है, उसमें ये टिक मार्क वाले हैं। बिल्कुल अंजना, किरण रिजिजू हो, आर के सिंह और ये आपका अनुराग ठाकुर का एमओएस फाइनेंस में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वो निर्मला सीतारमण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी तो उनके साथ बैठ करके वो हिंदी में उनका अनुवाद भी किया करते थे और ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका रिव्यू करने के बाद ही उनको प्रमोट करने का फैसला किया गया। और किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ साथ उनको जब श्रीपद नायक का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आयुष मंत्रालय भी उनको दिया गया था, तो उनकी परफॉर्मेंस को लेकर भी पिछली बार मोदी वन में वो एमओएस होम भी हुआ करते थे, इसकी वजह से उनको जो परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद ये हुआ कि उनको प्रमोट करना चाहिए। आर के सिंह उनको भी प्रमोट किया जा करने की बात हुई है कि वो पहले होम सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, फिर उनको पावर मिनिस्टर बनाया गया, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक परफॉर्मर के तौर पे देखा जाता है, तो उनको भी प्रमोट करने की बात है। और रूपाला, हम जो अभी बात कर रहे थे गुजरात से, उनको प्रमोट करने की बात है, मांडविया को प्रमोट करने की बात है, इन लोगों का परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन दिया जा रहा है, ये बातें सामने आ रही है अंजना। इसी ढंग से कुछ लोगों को जो डिमोट किया, ये बात हम लोग काफी देर से चर्चा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको ड्रॉप किया जा रहा है। और जो मंत्री बनाए जाने हैं वो युवा महिलाओं के साथ साथ डायनेमिक, उनको लगता है मोदी को कि ये डायनेमिक हो सकते हैं, परफॉर्मर हो सकते हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं, इस वजह से उनको लिया गया। हालांकि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जा रही है, वहां पे क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जा रही है, कुछ राजनीतिक कंपल्शंस भी हैं, जैसे ज्योतिरा सिंधिया को लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, तो अनुप्रिया पटेल क्योंकि वो अपना दल से आती हैं, क्योंकि वही मंत्री बननी थी, उन्हीं को डिसाइड करना था, सरकार को डिसाइड नहीं करना था, जेडीयू से या बीजेपी को डिसाइड नहीं करना था, जो भी जेडीयू चाहती थी जिसको भी मंत्री बनाना, आरसीपी सिंह को, तो उनको मंत्री बनाया गया, ये कंपल्शन थी। लेकिन टोटलिटी में अगर देखा जाए, परफॉर्मेंस, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए किसी को प्रमोट किया गया है, किसी को छुट्टी कर दी गई है परफॉर्मेंस के आधार पर, तो टोटलिटी में मोदी की यही एक कोशिश है, एक मैसेज ये देने की कोशिश है, सोशल इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ परफॉर्मेंस और डिलीवरी, ये एक पूरा करने की कोशिश की गई है इस कैबिनेट एक्सपेंशन के थ्रू। शशि शेखर जी, अगर उत्तर प्रदेश पर चर्चा करें तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बीजेपी के एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में मंडल, समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं उनके हथियारों को भोतर करने की पूरी जिम्मेदारी इस मंत्रिमंडल के जरिए निभाई जा रही है चुनावों से पहले। बहुत अच्छा टर्म है, एक हाथ में मंडल, एक में कमंडल और मुंह में राम, बगल वाली बात पे नहीं करना, ये बिल्कुल इसी के सहारे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस एक्सपेंशन के जरिए
तीन बातें साफ कर दी। उन्होंने अजय मिश्र को लाकर कानिकुज ब्राह्मणों के उस जो एक परमा एक जो एक बड़ा वहाँ का इलाका है उस पर उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने अलग अलग जो छोटी जातियाँ हैं पिछड़ी जातियाँ, पिछली बार भी इसी के समुच्चय ने इसी के जोड़ ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में नैया पार लगवाई थी और उसको उन्होंने एक बार फिर से साधा है। और जिस तरीके के आरोप प्रदेश की सरकार पर बार बार लग रहे थे उस आरोप को भी उन्होंने एक तरह से धूमिल कर दिया है, क्योंकि एक दिक्कत समझ में आती थी। आप जरा गंगवार जी को देखिए, गंगवार दिन भर योगी के साथ रहे थे और शाम को उन्होंने एक चिट्ठी प्रेस में लिख कर, तो ऐसे लोगों से मुक्ति भी पाई गई है। और कुछ बड़बोले लोग जो अपना नाम चलवा रहे थे उनको न शामिल कर मोदी ने साबित किया कि सारे पत्ते उनके हाथ में ही रहते हैं, भले ही टेबल पर कुछ भी नजर आए। तो ये उत्तर प्रदेश का जो भी गणित बनाया गया है ये बहुत ही परफेक्ट गणित है इलेक्शन के हिसाब से, पर अभी अगले चुनाव में जो विधानसभा का है उसमें 5-6 महीने दूर है और अब मंत्रियों पर बहुत जिम्मेदारी होगी कि जो भी निगेटिविटी है उसको दूर करें अपने 4 से 6 जिलों के जो उनका एक रेडियस है उसमें। बिल्कुल हिमांशु, अगर कुछ और नामों पर हम लोग चर्चा करें तो हम यूपी और गुजरात इन दोनों पर सबसे ज्यादा जो छाप दिख रही है एक तरह से, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने अभी से तलवारें तान दी है। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया चुनाव के बाद, ऐसी कौन सी कमी दिख गई बाबुल सुप्रियो और आपने एक और जो मंत्री है उनको निकाल दिया। हिमांशु देखिए बिल्कुल बंगाल को लेकर ममता बनर्जी को हमेशा लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि बाबुल सुप्रियो को अगर बाहर किया गया है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। वो पर्यावरण राज्य मंत्री थे और देवेश्वरी चौधरी जो हैं वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री थी, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। बाबुल सुप्रियो पहले पार्टी के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं विधानसभा चुनाव के दरमियान, आपने भी देखा है जब जितेंद्र तिवारी को शामिल किया जा रहा था टीएमसी से लाकर, तब उन्होंने कहा था जिन लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को डंडे मारे हैं जिन्होंने पार्टी का विरोध किया है उनको आज यहाँ पर लाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, फेसबुक पे लिखा था, आज उन्होंने अपने रिजाइन की बात भी फेसबुक पे लिख दिया। तब से पार्टी की आंख में वोट खटक रहे थे, उसके बाद उन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा कि उनको चुनाव लड़ना है, पार्टी ने चुनाव लड़वा दिया उनको, जब उनको चुनाव लड़वा दिया गया तो वो वहां से हार गए। और अंजना हम सब जानते हैं कि 50,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव हारे, अब अगर वहां से नए लोगों को जगह मिली है तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत जो है बीजेपी कर रही है, क्योंकि वहां ना तो अभी विधानसभा चुनाव है ना लोकसभा, लोकसभा अगर है तो 3 साल बाद है, बीजेपी उसकी तैयारी अभी से कर रही है। शांतनु ठाकुर जो है मथुआ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, निश्चित प्रमाणिक जो है वो उत्तर बंगाल से आते हैं, उत्तर बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा रहा। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दो और मंत्री जो शामिल किए गए हैं उनको भी जातिगत समीकरण के हिसाब से ही शामिल किया गया है कि जिन कास्ट में बीजेपी वहां थोड़े से कम वोट पाई है वहां से लाके 2024 की तैयारी बीजेपी ने बंगाल में अभी से शुरू कर दी है। लेकिन ये जरूर है कि बंगाल को लेकर बीजेपी का फोकस चुनाव बाद भी टूटा नहीं है, अभी भी बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो है 2019 से बेहतर होगा, क्योंकि 42 सीटों में से बीजेपी ने 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीती और 16 में 3 विधानसभा सीटें जीती थी जो 21 में 76 हो गई, यानी कि अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए बीजेपी ने अभी भी बंगाल से अपनी कोई उम्मीद नहीं छोड़ी है, इसीलिए 2 मंत्रियों को अगर हटाया गया तो 4 नए मंत्री वहां पे बनाए गए हैं। शांतनु ठाकुर को शामिल करना जी, और शशि शेखर जी हाथ उठा रहे हैं कुछ बोलना चाह रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के साथ साथ जो है शशि जी, मैं बंगाल पर ही 2 बातें कहना चाहता था। एक तो वहाँ विधानसभा चुनाव के जो भी परिणाम आए हैं, अगला चुनाव चूंकि दूर है तो जो अभी इमीडिएट फोकस करना था उन स्टेट्स के लिए जगह खाली करनी थी। और दूसरी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो जैसे लोग इनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है, पूर्व सैनिकों का, पूर्व अफसरों का, सिनेमा के लोगों का, वो भीड़ जुटाने के लिए जरूरी थे पिछले चुनाव तक। अब भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल पार्टी के तौर पर वेस्ट बंगाल में स्थापित हो गई है, उसके पास 80 MLA है वहां पर और पर्याप्त मात्रा में MP है, उनको अगर आगे की सोचनी है
तो पॉलिटिकल लोगों को लाना उनके लिए कंपल्शन हो गया था। तो अभी भले ही आपको कम लग रहे हो, अगले विस्तार के बाद आप ये पाएंगे 7 राज्यों के चुनाव के बाद कि बंगाल को एक बार फिर से इंडक्ट किया जाएगा, तब तक भतुआ संप्रदाय पे पूरा जोर दे रहे हैं और वो जोर देना उनका लाजमी है क्योंकि वो एक तरफा इनके फेवर में गए। बिल्कुल अशोक, आप भी इस पर एक कमेंट करना चाह रहे हैं जो हम लोगों ने यूपी की बात इसके पहले छेड़ी थी, क्योंकि देखिए यूपी में समाजवादी पार्टी को ही सबसे बड़े एक आप कह सकते हैं फिलहाल जो पंचायत चुनाव के इंडिकेशंस हैं उससे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा प्रतिनिधि दुश्मन बनकर सामने आ सकता है। तो उसको टारगेट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग नए सिरे से जो हुआ है उसमें ये मंत्रिमंडल बहुत ही की रोल प्ले करेगा। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दोराय नहीं है, जिस ढंग से हालात हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में कुछ ही समय बचा है तो सोशल इंजीनियरिंग बहुत ध्यान रख करके किया गया है और ऐसे समुदायों को लाया गया है कैबिनेट एक्सपेंशन में ताकि एक बैलेंस किया जाए, सोशल इंजीनियरिंग कास्ट कम्बिनेशन जो है उसको देखते हुए हर समुदाय के लोगों को जोड़ा जाए, हर जाति के लोगों को जोड़ा जाए, वो उनका एक खास फैक्टर है और हर क्षेत्र से अलग अलग जो रीजन्स हैं वहां से प्रतिनिधित्व तो मिले ताकि बैलेंस किया जाए पूरे सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए ताकि चुनाव में उसका फायदा लिया जाए। और अनुप्रिया पटेल को मैं एक बात और कहना चाहता हूं अंजना, पिछले टेन्योर में जब मोदी गवर्नमेंट था उस वक्त अनुप्रिया पटेल मंत्री थी, एमओएस हेल्थ थी वो, लेकिन इस बार ड्रॉप कर दिया गया था 2019 में। लेकिन अब हालात ये है कि यूपी चुनाव को देखते हुए एक मजबूरी अगर कहें मजबूरी के वजह से अनुप्रिया पटेल को, क्योंकि अपना दल पटेल कम्युनिटी, तो इसको देखते हुए अनुप्रिया पटेल को इंडक्ट किया जा रहा है कैबिनेट एक्सपेंशन के अंदर, क्योंकि यूपी उनका निशाना है, यूपी और गुजरात जैसे चर्चा हो रही है उनको बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए दोनों राज्यों को रिटेन करना। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, गुजरात इनके लिए अहम माना जाता है हमेशा से, तो दोनों राज्यों को रिटेन करना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसी के लिए तमाम एक्सरसाइज की गई है, चाहे वो गुजरात के अंदर 3 जो एमओएस को लाया जा रहा है, वहाँ अलग ओबीसी के अलग अलग समुदाय से वो लोग आते हैं, पटेल कम्युनिटी के रूपाला और मांडविया को प्रमोट किया जा रहा है, इधर यूपी में तमाम वही कम्बिनेशन जो है चुनावी रणनीति को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए ये पूरा फेरबदल यूपी और गुजरात से किया गया है। हालांकि दूसरे राज्यों में भी ये चीजें मैटर करती हैं, साथ ही साथ परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं हम लोग वो तो मोदी का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन राजनीतिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली तो कोई भी पार्टी उनका मोटिव रहता है चुनाव जीतना, तो चुनाव जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रद्दोबदल फेरबदल तमाम किसी को इंडक्ट करना किसी को हटा देना उसी को देखते ही फेरबदल किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो बेहतर होता है उस पे ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तमाम कोशिशें चुनाव जीतने के मद्देनजर ही की जाती हैं, कैबिनेट रिसफल हो या किसी को पार्टी के अंदर बड़ी पोस्ट दे देना, तमाम चीजें जो है चुनावी रणनीति का हिस्सा ही होती है हमेशा। बिल्कुल, जरा चर्चा हम लोगों को शशि जी नारायण राणे पर भी कर लेनी चाहिए, उनके नाम पर तो सबसे पहले उनका नाम डाला गया और हम लोग उन पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, पहले शिवसेना फिर कांग्रेस फिर बीजेपी और ऐसे वैसे नहीं, महाराष्ट्र में कोंकण के एक बड़े नेता तो हैं ही, लेकिन बीजेपी उन पर जबरदस्त प्रहार करती रही और आज देखिए मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट में सबसे ऊपर नारायण राणे का नाम है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अंजना, ये वाकई मिस हो रहा था, नारायण राणे का नाम और उसके साथ शायद 2 और मंत्री इंडक्ट किए हैं वहां से, ये क्यों है? इसकी 3 वजह बहुत साफ है। पहली वजह यह कि महाराष्ट्र बहुत अपमानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसला था, और दूसरी वजह यह है कि इस सब के बावजूद भी महाराष्ट्र एक संभावनाओं वाला प्रदेश है उनके लिए, शिवसेना उनकी सबसे पुरानी एलाई है, वैचारिक तौर पर दोनों मिलते हैं एक तरह से, और जिस तरह एनसीपी आरोपों में घिरती जा रही है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्थितियां बदल सकती हैं। तीसरी वजह, राजनीति सिर्फ दोस्ती के आधार नहीं तलाशती, दोस्ती न होने पर दुश्मनी कैसे निभाई जाती है इसके भी आधार तलाशती है, और नारायण राणे एक बहुत परफेक्ट कैंडिडेट है। उनको महाराष्ट्र की राजनीति अच्छी तरह आती है, उद्धव ठाकरे के दावों को वो निष्फल करने की शक्ति रखते हैं, उनका एक कास्ट बेस है, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, तो ऐसे में नारायण राणे का इंडक्शन आने वाले दिनों की संभावनाएं तलाशने का एक सिलसिला शुरू करता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी जाए बीजेपी चाहेगी कि इनके जरिए एक बड़ा फायदा उठे। ठीक है, चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। हाँ चित्रा, अगर हम देखें तो एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार भी खत्म हुआ, चित्रा जब से वो पार्टी में आए थे
तब से लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ होगा, रोज ताने पड़ते थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें भी अब तोहफा मिल ही गया है। और कई बीजेपी वाले कह रहे होंगे कि नारायण राणे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कांग्रेस से आइए बीजेपी में तो फिर मंत्री पद ज्यादा आसान है लेना। और कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी भरकम मंत्रालय भी दिया जा सकता है अंजना, अगर ऐसा हुआ तो यकीनन इसके जरिए एक बड़ा संदेश उन तमाम दूसरे शहरों को भी बीजेपी देना चाहेगी जो कांग्रेस में रहकर इस वक्त अपनी धीरे ही सही लेकिन आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तिरछी निगाहों से बीजेपी की ओर भी देख लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद पहले पता होता कि महाकाल के दर्शन के बाद ये इतना बड़ा महाकॉल आएगा जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यकीनन हालांकि हम सब ने देखा था 22 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में शामिल करवाना, बीजेपी को मजबूत करवाना, उसमें बहुत बड़ा रोल मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का रहा है। और सिंधिया परिवार का भी देखिए, उनका जिस तरह का राजघराना रहा है, अपनी जो दादी रही हैं उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी को उन्होंने किस तरह से मजबूत किया और अब उसी का फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने के लिए जा रहा है। और यकीनन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, हालांकि पुख्ता तौर पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में बड़ी अच्छी पोजीशन दी जाएगी जिसका वो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इसके पहले आपने बात किया महाराष्ट्र की। देखिए महाराष्ट्र में ये बात सच है कि बीजेपी नंबर वन पार्टी रही, 100 से ज्यादा सीटें यानी कि शिवसेना से कहीं ज्यादा सीटें उसको हासिल हुई, लेकिन उसके बावजूद शिवसेना ने अलग होकर अपने मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर मौजूदा बीजेपी को आप गौर से देखेंगे, देखिए नीतीश कुमार एक मंत्री पद 2019 में मिल रहा था, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या हुआ अंजना, एक ही मंत्रालय से उनको संतोष करना पड़ा है। तो आज की जो बीजेपी है वो बिल्कुल अलग है, हर एक अलग अलग राज्य में अपने आप को मजबूत करने में बीजेपी खासा जोर दे रही है। देखिए अनुप्रिया पटेल को लाया जरूर गया है, इसके पहले भी वो मंत्री थी और दो उनके सांसद हैं यकीनन मिर्जापुर उसके आसपास के क्षेत्र में, जो कुर्मी वोटर है उस पर अच्छा खासा प्रभाव इस पूरे के पूरे परिवार का है। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी ने किस तरह से अपने चेहरों को भी दांव पर लगा दिया है, यह भी महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिन चेहरों ने कौशल किशोर, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूं, जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ बीजेपी में रहते हुए ही सवाल उठाए थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना यानी कि विरोध की आवाज को भी बीजेपी पूरी तरह से तवज्जो देती है। दूसरी पार्टियों से लोग अगर आते हैं तो उनको भी सर माथे पर बिठाती है। ये पूरा संदेश आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी की ओर से देने की कोशिश अंजना की जा रही है।